ये गाड़ी टेढ़ करता, टायर निकल और ये स्पॉकेट खोल फटाफट, लेट हो रहा है और भी काम बाकी, फटाफट करके लेते। ये है बुलेट 350 की कैची, हम इसमें स्पॉकेट लगाते हैं जो कि ऑयल ग्रीस कंटिन्यू लगते हैं, इसलिए कैची में ये जो दिख रहा है आपकी कैची ब्लैक वाली, इसको बोलते हैं कैची। इसमें ये जो दिख रहे हैं आप ऑयल पन बहुत सारे हैं, इसके लिए पेट्रोल से क्लीन किया जा रहा है। इसमें मॉडिफाई आज होने वाली है क्योंकि इसमें बेल्ट लगने का, आज इसमें एक बूंद भी ऑयल पन नहीं चाहिए, इसलिए क्लीन हो रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये है बुलेट 350 के मैग्नेट कवर, ये आगे के स्पॉकेट छोटा व्हील आते हैं स्पॉकेट के, इसमें अटैच होते हैं क्योंकि आज हम इसमें मॉडिफाई कर रहे हैं, बेल्ट भी डाल रहे हैं, बेल्ट में एक बूंद भी ऑयल नहीं चाहिए, इसके लिए पेट्रोल से आज इसको क्लीन किया जा रहा है क्योंकि बेल्ट में एक बूंद भी नहीं लगते ऑयल। क्या आप देख रहे हैं ये ओल्ड ऑयल स्पॉकेट है, ये जिसमें बैरिंग अटैच हो रही है, ये बेल्ट वाली स्पॉकेट है, इसमें एक बूंद भी ऑयल पर नहीं चाहिए। रियर स्पॉकेट है ये देखिए, बुलेट की जो कंप्लेंट बहुत आती है चेन स्पॉकेट के बारे में, इसके लिए आज हम बेल्ट डालने जा रहे हैं क्योंकि टाइम पे ऑयल ग्रीसिंग नहीं डालते तो बुलेट के बहुत सारे दांते टूट जाते हैं, 2-3-4 टूट जाते हैं, कैसे टूटते क्यों टूटते कस्टमर पूछते रहते हैं, इसलिए आज हम जो है कि बेल्ट डालने जा रहे हैं चेन निकल के। ये बुलेट रही 350, ये आगे की स्पॉकेट है, इसमें तो बहुत कम लोग ही देखे रहेंगे कि बेल्ट भी बैठा जाता है। हम ये जो स्पॉकेट चेंज करने जा रहे हैं इसमें टाइम पे ऑयल ग्रीस नहीं जाते तो स्पॉकेट बहुत टूटते हैं, इसलिए आज हम बेल्ट वाला स्पॉकेट डालेंगे आगे पीछे, इससे मॉडिफाई बुलेट में तो बहुत कम ही लोग देखे रहेंगे बेल्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि आज हम मॉडिफाई करने जा रहे हैं चेन और चेन स्पॉकेट तो निकाल ही दे रहे हैं। अब ये बेल्ट वाली देख रहे हैं, बेल्ट वाली स्पॉकेट है, इसमें भी हम आज बेल्ट डाल देते हैं क्योंकि बहुत बेनिफिट है कि आज हम जो जा रहे हैं मॉडिफाई करने। ये रही बुलेट में डालने के लिए बेल्ट और छोटी वाली स्पॉकेट है आगे की व्हील की, इसमें चेन निकाल के हम मॉडिफाई करेंगे आज। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ना ये छोटी व्हील बैठती है यहाँ पे, इसमें ऑयल पन थोड़ी एक बूंद भी नहीं चाहिए और जो बेल्ट होते हैं बेल्ट में भी एक बूंद ऑयल नहीं लगना चाहिए, चेन स्पॉकेट थी तो उसमें तो ऑयल ग्रीसिंग टाइम टू टाइम चाहिए, इसलिए ऐसा मेनिफिट कर रहे हैं हम लोग, ऐसा कर रहे हैं बेल्ट जो डाल रहे हैं इसमें एक बूंद ऑयल नहीं लगेंगे और चेन में तो एनी टाइम ऑयल ग्रीसिंग मंगते नहीं, चेन स्पॉकेट टूट जाते हैं। आज जो हम स्पॉकेट के जगह पे बेल्ट डाल रहे थे थोड़ा प्रॉन दे रही थी छोटी स्पॉकेट, इसलिए हम लेथ वाले के पास आए, उसमें टाइट करने पे केसिंग में जाम हो जा रही थी, इसलिए हम लेथ वाले के पास आए, थोड़ा जाड़ा हो गए थे इसके जो थोड़ा सा बर आ गया था, इसमें यहाँ पे आए कटिंग करवाए तो जाके सक्सेस हुआ गाड़ी, नहीं तो व्हील जाम हो जा रहे थे थोड़ी मॉडिफाई, रात में तो हम लोग परेशान हो गए थे इसलिए मॉर्निंग में आए वापस हमें खोलना पड़ा, लेथ वाले के पास गए इसलिए लेट हो गया, आज फिर से खोल के हम अटैच करने जा रहे हैं। ये है स्पॉकेट बेल्ट वाली, अभी हम यहाँ पे अभी बेल्ट लगाने जा रहे हैं, ये छोटा व्हील में है, बड़ा व्हील है, बड़ा व्हील में अभी अटैच करने जा रहे हैं बेल्ट, यहाँ से बेल्ट अटैच हो जाते हैं स्पॉकेट के। बेल्ट थोड़ा टाइट है, इससे भी अटैच कर देते, थोड़ा बेल्ट तो टाइट हो गए, आगे व्हील भी सब फिटिंग कर देते, क्ले मैग्नेट कवर फिटिंग कर देते, अभी ऑयल व्हील डालने का टेंशन नहीं अभी। बुलेट तो आप लोग बहुत कम ही लोग देखे रहेंगे बेल्ट वाली गाड़ियां, इसमें इस पॉकेट की जगह हमने डाल दिया है बेल्ट और बेल्ट वाली पॉकेट डाल दिए क्योंकि ने उसके बुलेट के बहुत ज़्यादा इस पॉकेट टूटते थे, इस मॉडिफाई थोड़ा कर दिए हम इसमें बेल्ट डाल के। बुलेट तो रेडी हो गए, अभी तो हम राइड मार के देखते हैं कैसे चल रही है गाड़ियाँ, फुल स्मूथली चलेगी, आवाज़ तो आएंगे नहीं चेन के, गाड़ी तो बहुत ही स्मूथ हो गई गाड़ी, इस चेन वाली तो बहुत ही आवाज़ करती थी गाड़ी चलाने पर,
और ये बिल्ट वाली गाड़ी चलने में पैसे लग ही नहीं रहा है कि बुलेट चला रहे हैं हम। इतनी स्मूथली होगी, इतनी स्मूथली होगी ना, पूछने लायक ही नहीं है, क्योंकि इतना हल्की ऐसा लग रहा है गाड़ी ही नहीं जा रही अपने। बुलेट चला रहे क्या, चला रहे क्या, हीरो होंडा गाड़ी चला रही, साइकिल चला रही क्या, इतना स्मूथली आवाज आ रही है। अभी देखते हैं क्या बोलती है। यार ना मार देना रे, कैसी चल रही है बड़े, एक बार लॉन्ग राइड मारेंगे तो ये लग रहा लग रही है ना अभी आपको। ये आप लोग भी डबल सीट पे राइड मार के आइए थोड़ी। ओके बाय बाय।